subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, ये जो कार्ड है वॉल हैंगिंग जो स्टेबलाइजर यूज करते हैं एसी के अंदर, उसके अंदर यूज करना है। और इस कार्ड को आप 136 टू 300 वोल्ट के रेंज के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर लो कट, हाई कट और प्लस टाइम डिले, ये टोटल लगा हुआ है। इसका थोड़ा हम डिटेल बतला दें। ये जो है टाइम सेटिंग के लिए है, टाइम डिले के लिए है और ये वोल्टेज के लिए है। इसमें एक यहाँ आपको दिख रहा है इनपुट रिले है, ये आउटपुट रिले है और ये टाइमर रिले है। तीन रिले इसमें यूज किया गया है और इसके अंदर आपको 24 वोल्ट ये रिले लगा हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ जो है आपको 0 to 16 वोल्ट लिख रहा है, यहाँ आपको 24 वोल्ट का सप्लाई देना है। और कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा है नहीं। यहाँ जो आपका ये सॉकेट लगा हुआ है, इसके अंदर आपको 3 लेग का जो LED आता है वो यूज करना है, जो टाइम डिले और हाई कट में आपका शो करेगा इंडिकेशन। तो इसका हम अभी आपके सामने असेंबलिंग कर रहे हैं, एक ओपन असेंबलिंग कर रहे हैं जिससे कि आपको जानकारी हो जाए। और इस से रिलेटेड जो ट्रांसफार्मर है और जो इसका कनेक्शन होगा वो सारा मैं अपने GSB इलेक्ट्रिक ऐप के ऊपर डाल दूंगा। आप वहां से इसका कनेक्शन ले सकते हैं और ट्रांसफार्मर का डाटा भी ले सकते हैं। अभी हम इसके अंदर सॉकेट के अंदर नहीं डालेंगे, लेकिन आप जब परमानेंट इसको असेंबल करेंगे तो सॉकेट यूज कर सकते हैं। अभी हम इसी के ऊपर सोल्डरिंग कर देंगे क्योंकि ये 0 to 24 वोल्ट सप्लाई है जो हमने इस ट्रांसफार्मर से ही वाइंडिंग करके निकाला है। और ट्रांसफार्मर का चूंकि ये हमने एक प्रैक्टिकल दिखाने के लिए बनाया है, तो ये तो 0.5 का है, लेकिन आप इसके ऊपर 1 KVA, 2 KVA, 3 KVA तक का यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि जो आप ट्रांसफार्मर का जो लूप कनेक्ट करेंगे वो कोशिश करेंगे जो NONC पिन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप कनेक्ट करेंगे। जैसे देखिए यहाँ एक नंबर है, तो एक नंबर यहाँ फर्स्ट रिले के NO से आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि वायर का कनेक्शन इसके ऊपर करेंगे तो आपका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फेथफुल कनेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास पिन लगाने का व्यवस्था है तो आप इसके ऊपर भी पिन अप कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए IP है, यानी इनपुट सप्लाई जो आएगा, जो हम इसके अंदर इनपुट डालेंगे वो हम इसके ऊपर डालेंगे। हमने क्या किया है कि इधर कनेक्शन के सुविधा के चलते इधर से मार्किंग इधर हमने कर लिया है, और यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लूप आएगा। ये ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लूप हो गया, इसके बाद यहाँ सेकंड लूप आएगा, ये हमने थर्ड लूप कनेक्शन कर दिया है, और ये हमारा फोर्थ लूप है। और आउटपुट जो है इसका मैं इस मीटर के अंदर भी डालूंगा, और इस मीटर के अंदर भी डालूंगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ देर इनपुट दिखाएगा, कुछ देर आउटपुट दिखाएगा, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में वो थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा जल्दी जल्दी भागता है। तो ये कांस्टेंट थोड़ा एडजस्ट करने के लिए कि इस वोल्ट मीटर को हमने यूज किया है। इसमें तो आपको इनपुट और आउटपुट सारा मिलेगा। ये हम आउटपुट ले रहे हैं और इस आउटपुट को इस वोल्टेज में भी लेंगे, वोल्ट मीटर में, और इस वोल्ट मीटर में भी हम लेंगे।
यहाँ भी आ गया और इसके अंदर भी आ गया, और ये जो है आपको इनपुट है, तो इनपुट हम इसको यहाँ से ले लेते हैं। चूँकि इस वोल्टमीटर में आपको इनपुट यहाँ लिखा हुआ है आईपी, ओपी और यहाँ कॉमन है, यानी इसमें तीनों डालना होगा, तो इसके अंदर कंटिन्यू आपको इनपुट आउटपुट दिखता रहेगा, डिस्प्ले होता रहेगा। तो ये हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। और ये जो टाइम डिले का इंडिकेशन है और हाई कट का इंडिकेशन इस एलईडी से मिलेगा, तो इसके पिन को हम इसके साथ लगाते रहे हैं। तो ये हमने ये इंडिकेटर भी लगा लिया है। अब इसमें हम लाइन दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो कार्ड है, अगर इसका आप वोल्टेज सही से वाइंडिंग होगा तो ज़्यादा एडजस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए हम इसमें लाइन दे रहे हैं, और ये देखिए टाइमर का जो है इंडिकेटर स्टार्ट हो गया है, और यहाँ आउटपुट जो है आपको इनपुट 138 वोल्ट है, और इसको हम 136 पर ला दिए हैं, इनपुट 136 वोल्ट और आउटपुट 201 वोल्ट। अब हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो यहाँ देखिएगा ये आउटपुट का यहाँ चल रहा है, यहाँ चूँकि इनपुट आने लगा है, थोड़ी देर के बाद फिर ये आउटपुट शो करेगा, देखिए। और ये कट गया, फिर हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, फिर ये 200 पर वापस हो गया, फिर ये वापस हो गया। अब हम इससे आगे बढ़ाएंगे, तो ये अब जो है 244 वोल्ट है आउटपुट आपका, 247 वोल्ट इनपुट आप देखेंगे यहाँ, 287 वोल्ट इनपुट है, और अप्रॉक्स जब इनपुट 300 के आसपास पहुँचते ये आपका ट्रिप कर जाएगा, यानी ये हाई कट में चला गया और ये जो है रेड कलर हो गया। फिर जब हम वोल्टेज कम करेंगे तो फिर ये देखिए ऑन हुआ। टाइमिंग का हमने कुछ टाइमिंग यहाँ से कम कर दिया था, यहाँ टाइमर एडजस्टमेंट का है, तो चूँकि टाइमिंग ज़्यादा देर चलाने पर एडजस्टिंग के समय दिक्कत होता है, तो हम देखिए फिर हाई कट पर ले गए, और जैसे वोल्टेज फिर कम आएगा फिर ये ऑन हो जाएगा। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर के का टोटल जानकारी जो है हमारे जेएसबी इलेक्ट्रिक ऐप पे आपको मिल जाएगा कनेक्शन के साथ। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।